हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो ये हमारा वीडियो है जी एस टेस्ट पेपर 46 यानी कि 46वां जी एस टेस्ट। और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा इसमें फीचर है आपको बताना है। पहला है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी लोअर हाउस का डिसोल्यूशन होना, डिसॉल्व होना यानी कि भंग होना। दूसरा है मेंबर ऑफ द मिनिस्टर इज द इन द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप किसको देना मिनिस्टर को लेजिस्लेचर में। तीसरा है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द और द चीफ मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप होना। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। आइए कुछ और देख लेते हैं। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए। दूसरा, मेजॉरिटी पार्टी की रूल होनी चाहिए। तीसरा, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की। चौथा है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इन द लेजिस्लेचर, यानी कि मिनिस्टर की लेजिस्लेचर में मेंबरशिप यानी कि उसका हिस्सा होना चाहिए। पांचवा है लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लीडरशिप होना चाहिए। और छठा है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि जो निचली हाउस है, जो निचला हाउस है पार्लियामेंट का, उसका डिसॉल्व होना यानी कि भंग होना भी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, यानी कि लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी किसी भी तरीके की मनाही को हटाने को बोलते हैं हम लिबर्टी। और साथ ही साथ हम उन्हें किसी भी तरीके का अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो अपना डेवलपमेंट यानी अपना विस्तार कर सके। दूसरा, इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज यानी किसी भी तरीके का जो स्पेशल जो ट्रीटमेंट होता है, स्पेशल लोगों को फीलिंग कराते हैं, उस तरीके का एब्सेंस होना किसी भी सोसाइटी में। हर तरह की, जरूरी नहीं है कि रूरल में हो या अर्बन, नहीं, हर तरह की सोसाइटी में एब्सेंस होता है प्रिविलेज। साथ ही लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देना, यूँ उनको एक अवसर देना ताकि वो इंडिविजुअल ताकि उन्हें एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिल सके या एक समान अवसर मिल सके और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनके यानी कि भेदभाव के बीच ना हो। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी बोथ, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वॉज प्रपोज बाई अल्फर्ड वैगनर, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी थी उसको अल्फर्ड वैगनर ने दी थी। दूसरा है द एज ऑफ ओशियानिक रॉक डिक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम द क्रिस्ट ऑफ द मिड ओशियानिक रिजेज, यानी कि जो ओशियानिक रॉक की एज होती है, उम्र होती है, वो बढ़ती हैं जैसे जैसे मिड ओशियानिक रिजेज से दूर जाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट है आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है लेक टिकटिकाका इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ वेनेजुएला एंड इक्वाडोर, यानी कि जो लेक टिकटिकाका है ये वेनेजुएला और इक्वाडोर के बॉर्डर पे है। दूसरा है लेक तंगानिका
इज़ अ फ्रेश वाटर लेक है नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। जो तंगानी ये क्या है, ये फ्रेश वाटर लेक है यानी कि जो साफ पानी होता है उसका लेक है, और ये उसी तरीके के बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। तीसरा है लेक माराकाइबो इज़ लोकेटेड इन वेनेजुएला, यानी कि माराकाइबो लेक है कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में। चौथा है वोल्गा रिवर ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी, जो वोल्गा नदी है वो कहाँ ख़त्म होती है, कैस्पियन सी में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2, 3 एंड 4। पहला स्टेटमेंट गलत है। जो टिकटिकाका है वो बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है, और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। जो अफ्रीकन यूरेशियन का जो कंजर्वेशन हुआ था माइग्रेटरी बर्ड्स का, यानी वो पक्षियाँ जो दूर से आती हैं, तो उन पे जो एग्रीमेंट हुआ था उसके संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स एंड द हैबिटेट, यानी कि इंटर गवर्नमेंट यानी दो लोगों के आपसी एग्रीमेंट है जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो दूर से पक्षी आती हैं उनके रख रखाव के लिए की गई हैं। दूसरा है इट इज़ डेवलप्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेशन माइग्रेटरी स्पीसीज, यानी कि ये डेवलप किया गया है ताकि जो माइग्रेटरी स्पीसीज है जो पक्षियाँ दूर से आती हैं उनकी हम बचाव कर सकें। तीसरा है इंडिया इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द ट्रीटी, यानी कि इंडिया इस ट्रीटी का इस एग्रीमेंट का हिस्सेदार है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 एंड 2, यानी कि पहले दो स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो पार्टी मेंबर है वो हैं अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, ग्रीनलैंड एंड कैनेडियन आर्किपेलागो। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन एसिडिफिकेशन। ओडी ओशन एसिडिफिकेशन के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। द पीएच लेवल ऑफ ओशियन हैज़ डिक्रीज बिलो 7 एंड द वाटर हैज़ बिकम एसिडिक, यानी कि जो वाटर है उसका पीएच है, जो पीएच बैलेंस है वो कहाँ चला जाता है, 7 के नीचे, 7 के नीचे चला जाता है और वाटर एसिडिक हो जाता है। दूसरा है द मेन कॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन इज़ टू अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर, यानी कि जो मेन कारण है वो ये कारण है कि वो एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, जो पहला है वो सही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी कैलकुलेशन। जीडीपी कैलकुलेशन के संदर्भ में स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है। ओनली न्यूली प्रोड्यूस गुड्स आर काउंटेड, यानी कि जो नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं सिर्फ हम उन्हीं को जीडीपी में लेते हैं। दूसरा है ओनली फाइनल मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड, यानी कि जो फाइनल मार्केटेबल यानी कि सिर्फ वो गुड्स जो कि सिर्फ बेचे जा सकते हैं हम उन्हीं को जीडीपी में लेते हैं। और तीसरा है लास्ट है कि रिसेंटली सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी कि सीएसओ एडेड केयर इकोनॉमिक टू कैलकुलेट जीडीपी, यानी कि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए उसने एक केयर इकोनॉमिक करके जोड़ा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 एंड 2 ओनली, यानी कि सिर्फ पहले दो स्टेटमेंट सही हैं। जीडीपी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड इंडिकेटर है जो कि यूज़ किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ताकि वो अपने नेशन की इकॉनमी जो हमारी अर्थव्यवस्था है देश की उसको मेज़र कर सके, यानी उसके हेल्थ देख सके कि वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है। जो जीडीपी है इसका सिंगल जो नंबर होता है वो यह दर्शाता है कि हमारी मोनेट्री वैल्यू जो है जितने भी हम अपनी इकोनॉमी में चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं उसकी मोनेट्री वैल्यू क्या है। वहीं जो वर्क डन बाय वुमेन एट होम होता है या चिल्ड्रेन होता है या बूढ़े द्वारा किसी भी तरीके का काम
इसमें जीडीपी में नहीं लिया जाता है, देज आर विच आर कॉल्ड इकोनॉमीज आउटसाइड दी जीडीपी, और इसको हम आउटसाइड द जीडीपी बोलते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इंक्लूडेड इन द फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपको बताना है, इनमें से कौन सा उसमें सही है। पहला है गवर्नमेंट ग्रांट्स, दूसरा है सब्सिडी, तीसरा है कस्टम ड्यूटी और चौथा है सर्विस टैक्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड कौन सा इंक्लूड है और कौन सा इंक्लूड सॉरी कौन सा इसमें से इंक्लूड है, बस आपको इतना ही बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, वन एंड टू, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडी फैक्टर कॉस्ट में आती हैं, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स इसमें नहीं आता है, वो मार्केट कॉस्ट में आता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जब सामान किसी कंपनी से बन के निकलता है तो वहाँ पर जिस तरह के टैक्सेस या जिस तरह के पैसे लगते हैं उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि एक सामान बनाने से दुकान ले जाने तक का जो भी होता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, और दुकान से लोगों तक पहुंचाने तक में जो भी खर्चे होते हैं उसको हम मार्केट प्राइस मार्केट कॉस्ट बोलते हैं, उसमें कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स आता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द फैक्ट सॉरी ये तो हो चुका है क्वेश्चन, अगला है नाइन्थ। एज पर द रिसेंट जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ ग्रेफाइट इन इंडिया। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक देश में किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट की डिपॉजिट है, खदान है। तो उसका सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा इसका खदान है। 2013 में रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के पास 43% है देश का पूरा ग्रेफाइट डिपॉजिट, वहीं जम्मू कश्मीर के पास 37% है, झारखंड 6, तमिलनाडु 5 और उड़ीसा के पास 3% है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। रिसेंटली इंडिया साइंड द ट्रीटी कॉल्ड क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, व्हाट डज इट मीन। हाल ही में हिंदुस्तान ने एक ट्रीटी साइन किया जिसका नाम था क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, तो इसका मतलब क्या है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है बी, इट एम्स टू कम बैक ऑनलाइन टेररिज्म, यानी कि ऑनलाइन टेररिज्म को रोकने के लिए ये ट्रीटी साइन किया गया। ये साइन हुआ था मई 2019 में। एग्रीमेंट आया था, ये कब आया था, जब मॉस्क पे अटैक होने लगी थी यानी मस्जिदों पर अटैक होने लगी थी, 15 मार्च कुछ हुआ था, उसके बाद ये स्टार्ट किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को मतलब जिस भी तरीके क्राइम होती हैं इन पे धर्मों से जुड़ी उनको रोकना है, उसका उद्देश्य इसका मेन ये है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, और जाने से पहले हम आपको हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे यानी जो पिछला था पहले बता देते हैं उसका आंसर 45 का। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था द DPSP ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो था DPSP वो हमने किस देश से लिया था ये आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है डी, आयरलैंड, यानी कि हमने आयरलैंड से लिया है। तो आइए इसी के साथ हम आज का अपना यानी कि JSTOR 46 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन द प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया, यानी कि एक जो मिनिमम लैंड डिक्लेयर किया गया है फॉरेस्ट कवर के लिए ताकि हम अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सके वो कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। पहला ए 25, बी 33, सी 43 और डी 53%। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर